मारपीट किया है। कौन मारपीट किया है, दिखा सकते हैं? हाँ हाँ दिखा सकते हैं, दिखाइए, बताइए हमको कौन मारपीट किया है। ये क्यों आप उन पे हाथ चला रही है, क्यों आप उनके साथ? ये तो पर नहीं बता तो कहे क्यों बोले आप, काहे बोले आप? हम कोई नहीं है, हम काहे कुछ ऊपर है, ये बोल आप दुकानदार नहीं तो काहे बोले भैया? नहीं रखा उठा सामान जगह, फिर भी बोल रहे हैं तो किसका सामान है जब चबर चबर बोल रहे? ये जगह दुकान लगा। अभी कुछ दिन पहले मैं इस वेजिटेबल मार्केट के पास आई थी, वेजिटेबल मार्केट में आई थी और एक स्टोरी लाई थी आपके लिए कि मैं इसे आपको दिखाई थी कि कितना खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती कैसी है, पर आज मैं इसकी सच्चाई आपको दिखाऊंगी, इसके पीछे की वजह ये क्या है और ये यहाँ का माहौल कैसा है या फिर यहाँ की जो भी स्टोरी है वो सच्चाई मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। परसों यानी कि सोमवार दोपहर 2 से 3 बजे के बीच यहाँ पर लड़ाई झगड़े का माहौल बना, ये ऐसा यहाँ का मानना है और लोगों का कहना भी है कि रजिस्ट्री वाले दुकान वालों को दुकान नहीं दिया गया है, और दिया भी गया है तो काफ़ी से लोग हैं जिनको जो बाहर दुकान लगा करके बैठते थे उनको दुकान नहीं मिला है, कहीं से भी कोई उठ के आ गया है, जिनको ये सब्जी बाजार का नामो निशान तक नहीं पता था वो भी यहाँ सब्जी लगा के बैठे हैं, किसी के माँ बाप बहन भाई सब बैठे हैं, ऐसा यहाँ के जो समाज सेवी है उनका भी कहना है और जो यहाँ के लोग हैं जो यहाँ पर सब्जी बेचते हैं उनका भी कहना है। वहीं अभी हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके साथ हमला हुआ था या फिर क्या हुआ था, वो हमें पूरी सच्चाई बताएंगे। बोलो हम ऊपर में गए थे दुकान लगाने, हमको दुकान नहीं लगाने के दिया गया, ऊपर में बोलता है कि तुमको दुकान नहीं देंगे लगाने के, मारपीट करने लगा सब। सोनी देवी है, जयंती देवी है, पूजा माँ है, उधर से एगो लंबी लंबी औरत है, सब है, सबको मारपीट करने लगे थे, तुमको नहीं देंगे दुकान लगाने के लिए, तुमको दुकान नहीं देंगे लगाने के लिए, जाओ नगर निगम जाओ। हम लोग हम दुकान लगाएंगे, खाली जगह है क्यों नहीं लगाएंगे? तो बोलते खाली जगह है तो तुम नहीं लगा सकता, हम लोग यहाँ सामान रखते हैं, हम लोग यहाँ सामान रखते हैं, तुमको नहीं लगा, हम कागज भी दिखाएं। उन लोगों को अधिकार है क्या आप पे हाथ उठाने? नहीं, उन लोगों का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। देखिए यहाँ निगम वाला का, निगम का वाला का, यहाँ जो जब हम दुकान लगाए हैं खाली जगह में तो हमको निगम वाला आके उठाता, यह हुआ मारपीट करता, दुकानदार को मारने का हक नहीं है। मेरी माँ क्या यहाँ का क्या है, क्रिमिनल है क्या, सब्जी बेचने आती है या नेतागिरी करती है क्या है जो हम पर हाथ उठाया? जब हम सुने कि हमारे बच्चे को कोई हमला कर रहा है मार रहा है तब अपने नीचे दुकान छोड़ के ऊपर में आए तो इसको छोड़ कर हम पर टूट पड़ा। टूटने के बाद हम माँ बेटा ने भाग गए थाना भागे, थाना में जाके हम बोले उनको और उसके बाद वो लोग आए थाना में केस दिया, कोई अथी नहीं है ताकि उनको मानने का हक नहीं है। जिन्होंने आप पे हाथ उठाया था वो क्या यहाँ पर उनको रजिस्ट्री होके दुकान मिला है या फिर वो ऐसे ही बैठे? उनको रजिस्टर्ड होके दुकान मिला है, अलॉट हुआ, उसका नाम अलॉटमेंट। पहले वो यहाँ दुकान लगाते थे? हाँ यहाँ लगाते थे पहले, तो दुकान लगाती थी, दुकान बहुत दिन से भी लगाती थी और हम लोग भी लगाते थे कम से कम 2001 से। देखिए आप हमारे विजुअल के माध्यम से ही हमें दिखाने की कोशिश कर रही है कि इन्हें चोट भी आई है, हाथ में भी छिलाया है, पटक दी थी हमको तब भागे माए बेटा, हम तो अकेले थे। आप थाना में गई थी? हाँ थाना गए थे, थाना से 2 पुलिस आया था, वो लोग बोला कि यहाँ तुमको लगाने का क्या अधिकार है, जब खाली जगह है तो तुमको नहीं मिला है तो तुम नहीं लगा। थाना वाला बोल रहा है कि आपको लगाने का क्या अधिकार है? हाँ थाना वाला बोला कि जिसका सामने दुकान मिल गया है, देखिए हटा रहा है पुलिस। कौन थाना वाला? वो कुतवाली थाना वाला, देखिए सामने हटा रहा है। आपका सामान उठा रहा है? नहीं मेरा नहीं है, देखिए उसे वहाँ रखा हुआ सामान था तो वहाँ उठा रहा है। कहाँ आपको चोट लगा है? यहाँ नाक में लगा है, इधर नोचा गया है। सामान केबिन में ना रख के बाहर रखते, आप हमारे विजुअल के माध्यम से देखिए इधर भी सामान रखा हुआ है। जिनको केबिन मिला है क्यों आप लोग अपने केबिन में क्यों सामान नहीं रखते हैं? आपको तो जगह मिला है ना, आपका सामान नहीं है तो ये सामान किसका है? आपका सामान है, ये जो सामान पड़ा है ये आपका है? क्या कैरेट भर है तो आपको तो केबिन मिला हुआ है ना, केबिन के बाहर आप सामान रख दीजिए। 3 फीट का दुकान मिला है, 3 फीट का दुकान मिला उसके बाद आपको इतना बड़ा दुकान मिला उसके बाद आप सब्जी बाहर लगा? दो आदमी का दुकान है। कहाँ है दूसरा आदमी? आदमी नहीं आया है, शादी में गया है। 3 फुट का दुकान है, 3 फुट दुकान, 3 फुट का ज्यादा नहीं मिला है, 3 फुट का मिला। आपका दुकान कहाँ है? मेरा नीचे है। तो
झगड़ा मिला है ना? मेरा मिला है, लड़का को नहीं मिला। तो उसके बाद आपसे मारपीट क्यों? हाँ, उसके बाद वही मेरा लड़का जो है ना, बोले ना कि हरा सब्जी है, थोड़ा सा जाके लगा लो, हरा सब्जी कहीं घूम फिर के लगा लो। अगर उसको हम नहीं छोड़ते तो क्या करेगा? चोरी चमारी करेगा, नहीं सब्जी बेचेगा तो क्या करेगा? चोरी चमारी, घर में बैठ के रोटी नहीं ना सेकेगा। उसका भी शादी करेंगे, उसका बीवी आएगा, क्या खिलाएगा? हाँ, इसी के लिए हम बोले कि थोड़ा थोड़ा हम भी बेचते हैं, थोड़ा तू भी बेचो। जो घर में जाके बैठोगे, आवारा गर्दी करोगे, उससे अच्छा थोड़ा सा सब्जी लेकर तुम बैठो, जगह खोज के कहीं बैठो। इसीलिए वो बैठने आया था, इसीलिए ये लोग मारपीट किया है। कौन मारपीट किया है, दिखा सकते हैं? हाँ हाँ, दिखा सकते हैं। दिखाइए, बताइए हमको कौन मारपीट किया है। हाँ, ये क्यों आप उन पे हाथ चला रही है, क्यों आप उनके साथ? ये तो पहले हाथ चलाए है, तो पूछिए तो हाथ चलाए है। पहले वो चप्पल खोल मारा है, वो देखिए वो जगह के किसको चप्पल खोल के कौन मारा है, चलिए बताते हैं। हाँ, दिखाइए दिखाइए, कैमरा खुला हुआ है, लाइव चल रहा है, बताइए क्या क्या मसला है। ये पहले मेरा पे हाथ चलाए थे, सुनिए ना, कैमरा खोल के देखिए, ये सब का बाथरूम मत चलिए। थाना प्रशासन सब आके, नगर निगम थाना वाला सब आके यहाँ जांच करके चल गया उसी दिन। कोई हाथ नहीं चलाया है, समझे? सुनिए ना, कैमरा खोल के देखिए, अच्छा वीडियो आया है हमारे पास कि आप पब्लिक में आप उन पे हाथ चलाए। सुनिए, ये वीडियो किया तो आप हाथ चलाए? ना ना, हम हाथ चलाबे ना किए, पहले चप्पल वो चल नहीं। चलिए मंदिर में चाचा जी, कैमरा खोल, सबसे अच्छा कैमरा खोल भाई, औरत पर हाथ चलाया चप्पल खोल के, कौन औरत पे हाथ चलाया? सोनी ने यार, बोलिए बोलिए, कौन औरत पे हाथ चलाया? कौन किस पे हाथ चलाया? ये चलाया ही लड़का। अच्छा, किस पे हाथ चलाया? सोनी पर। नहीं यार, तो फिर आप लोग जब सामने वाला हाथ चलाए तो आप लोग क्यों हाथ चलाए? हम लोग हाथ नहीं चलाए, देख लीजिए वीडियो खोल के, अभी देख के कैमरा। वीडियो तो हमारे पास आया है, मेरा है, देखे अब हम ये बोल रहा था, आप सुन, मेरा है, पूछिए तो पहले। नहीं सुनिए, आपका वीडियो नहीं है, लेकिन इनका वीडियो है कि आप कैमरा बंद करो। मेरा है, हाथ हम नहीं चलाए हैं, कभी हाथ नहीं चलाए हैं। हाँ बोले हैं, डांटे हाथ को कच्चा धरा रखे, इधर बोलिए चलाए कहाँ चलाने देंगे हाथ हम किसी पर? तो कोई पब्लिक को पूछे, अगर कोई बोल देता है कि हमको हमको हाथ चलाने, अगर मेन मेन मसला क्या है बताइए ना। मेन मसला जिनको दुकान मिला हुआ है नीचे, अरे आके लगाता है। तो फिर जब अगर वो नीचे से यहाँ आके दुकान लगाते हैं, तो दूसरा सब्जी वाला को अगर केबिन मिला हुआ है तो वहाँ यहाँ सब्जी क्यों रखता है? रखने के लिए अगर छोटा सा जगह है, छोटा जगह में किसी को अपने आप में उपाय नहीं है। तो फिर अगर वो सब्जी वाला ऊपर आके सब्जी लगा रहा है तो उससे भी क्या क्या कुछ हो सकता है? उसको जब नीचे जगह मिला हुआ है, हम लोग बेच नहीं रहे हैं, यहाँ बेच तो नहीं रहे, कोई बचा हुआ है? देखिए देखिए, आप हमारे कैमरा में देख सकते हैं कि यहाँ सब सब्जी हटा रहे हैं कि कैमरा में ये वीडियो ना आए। आप हमारे विजुअल के माध्यम से देखिए कि शायद लोगों को डर बैठ गया कि शायद ये चीज पब्लिक को दिख जाएगा या ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे विजुअल के माध्यम से कि सब अब सब्जी हटा रहे हैं, सब अब जगह खाली कर रहे हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं कि आप लोग भीड़ लगाए, क्या आप लोगों को पता है कि क्या मामला है? बोलिए कहाँ चले? बताइए, बोलिए क्या हुआ है, क्या हुआ है बताइए। बस यही हुआ कि देखिए, हम आए उन लोगों को पूछने के लिए आए कि भाई क्या हुआ, नीचे में आए, मेरा सास नीचे में थी तो हम पूछने आए कि देखिए मेरे फैमिली यहाँ नीचे है, तो हम पूछने आए कि क्या हुआ मेरे सास का यहाँ विषय में। तो वो लोग लेडीज़ में नीचे थे ना, लेडीज़ आए, लोग थप्पड़ चला ले लो लगा अचानक, वो लोग हम अकेले थे, बच्चा गोदी कर लेते, बच्चा कहा मेरा बच्चा गई वो भी था, वो दो हम मेरा माँ बेटी हम की थे। हाँ, और लेडीज़ नीचे के लेडीज़ लोग आके हमको अंदाज में थप्पड़ चलाया, क्यों लोग थप्पड़ चला, हमारा कुछ गलत रही था, बस हम पूछे तो पूछने का अधिकार सबको बनता है ना। आप पे हाथ उठाए? हाँ, मेरा ऊपर हाथ उठाया है वो लोग। आपके बच्चे को चोट लगा है? बच्चा को चोट नहीं लगा, बच्चा गिर गया ना, मेरा सोना का यहाँ का था, कान का था सोना का, ना का मेरा सोना का था हाथ, और सब मेरा वो लोग नीचे लोग गिरा दिया वो लोग मार के, और बच्चा मेरा बच्चा को दिक्कत रहते, बच्चा मेरा फेंका गया। कौन आप पे हाथ चलाया? नीचे का लेडीज लोग। नीचे की लेडीज लोग क्यों हाथ चला रही है? बस हम पूछे कि क्या हुआ, मेरा सास देखिए, अपना सास नहीं है, मुझसे सास है ये, हमको बचपन से ही मतलब मेरा ये सुनवा। हाँ, तो हम पूछना है कि मेरे सास के विषय में लोग कुछ कुछ हो रहा था, तो हम पूछना है कि क्या हुआ, बस हम लोग क्या हुआ पूछे। हाँ, उतने वो लोग हमको मारने चालू किया, अगर विश्वास नहीं तो मेरा बेटी भी है, वो बेटी वो खुद बताएगी, देख के कहा कि मैया बुरे मेरे बेटी, मेरा बेटी खुद बताएगी क्या हुआ है क्या नहीं, वैसा वो लोग मेरा साथ वो लोग किया है। आइए आगे का नज़ारा दिखाते हैं कि कितना हंगामा हो चुका है, कि मीडिया के सामने लोग आके क्या बोल रहे हैं और क्या बता रहे हैं।
हम कोई नहीं है, हम काहे कुछ करे, ये अब दुकानदार नहीं तो काहे बोले भैया, हमारे है देखिए वीडियो खोल के, वीडियो खोल के देखिए, अगर मारे होंगे तो दिखिए, देख लीजिए पहले, मारा है सामान छीटी है, सामान भी नहीं छीटे हैं, हाँ बोले भी हाँ कि डांटे हैं, दुकान नहीं है तुमको नहीं देख, अगर हम मेरा दुकान हमको नहीं मिला तो हम कहीं इन्हें उन्हें करके माल नहीं बेच सकते, माल नहीं किसका जगह सामान किसका रखते हैं बाबू, नहीं कुछ बोले हैं, सामान नहीं रखे कुछ नहीं बोलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे लड़ाई हो रहा है, कैसे लड़ाई होता चल रहा है, हंगामा होता चल रहा है, कि इधर की भी पब्लिक चुप नहीं हो रही है और इधर की भी पब्लिक चुप्पी साधने का कोशिश नहीं कर रही है, आइए सुनते हैं कि कितना हंगामा हो रहा है, बस वही बात आता है, ग्राहक लोग आता है सब्जी सब लौट करवाइए, सामान किसका है इसको पूछे, जगह इसको मिला दुकान क्यों रखा, बात कीजिए ये किसका जगह है, और देखिए लोग ऐसे ही सामान जगह बोलिए, माइका मत थोड़ा बहुत रख लेता, तो अगर आपका कहना, अगर आपका कहना है कि ये जगह छोटा है आप सामान रख लेते हैं, तो नीचे से जब पब्लिक आके सामान बेच रही है तो आपको क्या दिक्कत है, सामान किसका है उठा सामान, फिर भी बोल रहे हैं तो किसका सामान है, जब चबर चबर बोल रहे हैं ये जगह दुकान लगा, नहीं बोल रहे हैं बोलते हैं सामान किसका, देखिए रुद्रसनी सामान यहाँ पर रखता है, बापती जगह बना के रखा है, सामान किसका है यहाँ देखिए, अन्याय कीजिए सामने दिखाइए, यहाँ देखो इसको वीडियो की क्या हुआ है बाबू बताओ, लड़ाई हुआ, कौन किसको मारे है, कौन मारा है बता दो, क्या मारे बता दो, आपकी मम्मा को भी मारा गया है, आप देखे थे, देखिए कैसे एक छोटी सी बच्ची आके कैमरा में बता रही है कि मेरी मम्मा को मारा गया और यहाँ पर जो खड़े हैं उनको भी मारा गया है, आप देख सकते हैं कि एक सब्जी बाजार में बैठने के लिए लोग कितना हंगामा करते हैं, शायद लोगों की मर्यादा खत्म हो चुकी है, आप देखें हमारे विजुअल के माध्यम से, आपने हमारे कैमरा में भी देखा, ये यहाँ के समाज सेवी आई है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ मामला था और क्या कुछ हुआ था, मामला ये था कि जो भी जेन्युइन सब्जी दुकान है जिसका सर्वे 2016 का, उसको ना तो आज तक सब्जी दुकान मिला है, बाकी जीने खाने के लिए तो उन लोगों को कुछ चाहिए, उन लोग और कोई बिजनेस जानता नहीं है, तो जिधर तिधर लगा के उन लोग दुकान लगा के अपना सब्जी जीवन पोषण करता है, 9 तारीख की बात है, 2 से 3 के बीच में हमको फ़ोन आया कि हम यहाँ सब्जी दुकान लगाए हुए हैं, तो बहुत सा सब्जी दुकान हमको मिल के मारा, तो हम मालूम किए कि कौन कौन सब्जी वाला मारा, तो इसमें सरमन रद्दी ये सब का नाम आया, तो बाद में जिस समय हम यहाँ पहुँचे उस समय विनीत जी यहाँ पहुँचे हुए थे, मेरा पूरा शक है कि ये जो मारपीट हुआ है वो विनीत जी का ही इशारा में हुआ, क्योंकि विनीत जी अभी शोकोस थे, वो तुरंत आखिर नागा बाबा खटाल सब्जी मार्केट में कैसे पहुंच गए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।